मैंने अपने ड्रेसिंग के लिए अभी कोई कैबिनेट परचेज नहीं किया है, और ये मेरे पास एक सिलाई मशीन रखी हुई है जिसका यूज़ कभी कभी होता है, तो मैं इसे ही एज ए कैबिनेट यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ये शीट ली है, ये बेटे के टाइम की शीट मेरे पास रखी हुई है जो कभी कभी यूज़ होती है, तो मैंने यही इसके लिए यूज़ की है। और उसके लिए मैं एक ये फ्रिज कैबिनेट बास्केट यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास फ्री रखी हुई थी, तो इसी के अंदर मैं अपना ये कॉस्मेटिक रीअरेंज कर रही हूँ। इस तरह हम छोटा छोटा चेंज करके कुछ ना कुछ एक नया कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक स्टडी टेबल है, ये वुड की बनी हुई है, और ये मुझे ओरिफ्लेम से एज अ गिफ्ट मिली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ओरिफ्लेम में वर्क करती हूँ, तो ये वहाँ से अगर हमारे जो मंथली ऑर्डर्स होते हैं उनके बिहाफ पर कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट आइटम्स मंथली मिलती हैं, तो उनमें से मुझे ये स्टडी टेबल एज अ गिफ्ट मिला था। तो इसे ही चलो मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। और इसके बाद मुझे ये एक टेबल लैम्प, ये भी मुझे ओरिफ्लेम से गिफ्ट मिला है। इसका टॉप और जो बॉटम आप देख रहे हो ये गोल्डन प्लेटेड है, और जो इसके बीच का मटेरियल जो लगा हुआ है पिंक शेड में, वो थोड़ा वेलवेट लुक में दिया गया है, और बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद मेरे पास ये एलईडी लैंप है जिसमें से मल्टी कलर्स निकलते हैं, और ये भी जब मैं ऑन करती हूँ तो बहुत ही एक अच्छा लुक आता है। और कुछ मैंने यहाँ पर अपनी मैगजीन सेटअप की है, मुझे मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, और मेरे पास बहुत सारी कलेक्शंस रखी हुई हैं अपनी अपनी मैगजीन्स की। तो चलिए ये एक छोटा सा कॉर्नर मैंने और तैयार कर दिया है। घर में कुछ छोटे छोटे इस तरह के एफर्ट करने से मन को एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक सुकून फील होता है। तो आप भी कभी ना कभी जब भी आपके पास टाइम हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने ऐसे ही कॉर्नर सेटअप कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपना स्टडी टेबल। तो आ गया है आज मेरा स्टडी टेबल, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, और एक अच्छा सा इसके लिए मैंने रिव्यू तैयार किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कई दिनों से एक ऐसा टेबल चाहिए था जिसे मैंने अपने PC या लैपटॉप के लिए यूज़ नहीं करना, मैंने ओनली अपने बुक्स पर्पज़ के लिए ही इसे लिया है, जिस पर मैं सिर्फ अपनी बुक्स और कुछ डायरीज जो मैं एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ उसे ही रखकर मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसमें कुछ ड्रॉर्स हैं जिसमें मैं अपनी स्टेशनरी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छी स्टडी टेबल है जिसे मैं मल्टीपल टाइम्स में यूज़ करने वाली हूँ। और जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम स्टडी करते थे, तो जैसे उस टाइम हमारे पास एक टेबल और कुछ बुक्स और कुछ स्टेशनरी का सामान हुआ करता था, तो मुझे भी आज इसको देखकर कुछ ऐसा ही वही टाइम आज फिर से चाइल्डहुड टाइम फिर से याद आ गया है कि किस तरह से हम अपना ये सामान सारा कलेक्ट करके स्टडी किया करते थे। तो मैं काफ़ी दिनों से ऐसे टेबल की सर्च कर रही थी। एक्चुअली जो मेरा पुराने वाला टेबल था वो बच्चे यूज़ करते हैं, तो कभी एक्चुअली ये होता था कि उनको अपना होमवर्क करना पेंडिंग रहता था, तो कभी उनकी टर्न चलती थी, फिर मुझे अपनी एडिटिंग वगैरह करनी होती थी, तो मुझे अपने लिए सेपरेट टेबल चाहिए था। तो मैंने ये टेबल परचेजिंग की है, मुझे बताइए आप कमेंट करके आपको कैसा लगा। एक्चुअली मुझे जो स्पेस चाहिए था इसके लिए वो मेरे लिए इनफ है, कि जो बच्चों का टेबल था उसमें जो स्पेस था मुझे बुक्स रखने के लिए काफ़ी कम पड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया है। सेकेंडली मैंने परचेज़ की है अमेज़ोन से एक वॉल शेल्फ कह सकते हैं, या मल्टीपर्पज़ आप उसका यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल उसका यूज़ अपनी बुक्स रखने के लिए करूँगी। चलिए दिखाती हूँ। मैंने ये वॉल शेल्फ अमेज़ोन से परचेजिंग की है, और ये आयरन की रॉड्स लगी हुई हैं इसके अंदर। और पैटर्न भी इस पे देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और जो आयरन की ये रोड्स लगी हुई हैं ये भी बिल्कुल सॉलिड लगी हुई हैं, कोई हल्का मटेरियल यूज़ नहीं किया हुआ। और जो ये वॉल शेल्स हैं ये यहाँ से अलग भी हो जाती हैं। इस तरह से ये फोल्डेबल भी है,
और जब इसको आपने वॉल शेल्फ बनानी है या टेबल के ऊपर रखना है तो इस तरह से जो इसमें हुक्स बने हुए हैं हम इसमें हुक्स में इसको लगा देंगे। और ये हमारा शेल्फ हो गया तैयार। तो चलिए मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। मैं इस अपने वॉल शेल्फ को स्टडी टेबल पर रखकर यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने अपनी कुछ बुक्स की कलेक्शन रखी हुई है और कुछ डेकोर पीस रखे हुए हैं जो मैंने पहले से ही सोच के रखे थे कि मैंने इस पर क्या रखना है, तो इससे ही मैं अपनी इस वॉल शेल्फ को डेकोर करने वाली हूँ। ये मेरे पास राधा कृष्ण का एक पेयर है जो मैंने चंडीगढ़ कला ग्राम जो फेयर लगता है वहाँ पे क्राफ्ट फेयर लगता है वहीं से परचेज़ किया था। ये कुछ वुड और कुछ ये फैब्रिक से बना हुआ है, एज अ पपेट बना हुआ है। और साथ ही में जहाँ मेरे कान्हा जी रहेंगे वहाँ उनकी गायें भी ज़रूर रहती है, तो मैंने उनकी गायें भी इसमें एज अ डेकोर पीस यूज़ की है। तो मेरा सेटअप तैयार है। मैंने इसको अपने लिविंग हॉल में मेन डोर के पास शिफ्ट किया है और यहीं पे मैं अपना ये सेटअप लगाने वाली हूँ। और यहीं पर बैठकर मोस्टली मैं अपनी जो भी मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी एडिटिंग वगैरह और उसकी शूट जो रहता है वो यहीं पर करती हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सीता नवमी की आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज सीता नवमी है, यानी कि जानकी नवमी भी कह सकते हैं। आज के दिन सीता माँ का प्राकट्य हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। और आज के दिन माँ सीता की पूजा करने का भी विधान है और उनके साथ साथ श्री राम जी की भी आज पूजा कर सकते हैं। माँ सीता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं और भगवान राम जी श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक माने जाते हैं, तो इसलिए आज के दिन माँ सीता और राम जी के साथ साथ आप लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण या भगवान राम सीता के मंदिर में जाके आप केसरिया रंग का झंडा भी वहाँ पे चढ़ा कर आ सकते हैं। अगर किसी को धन से जुड़ी कोई समस्या है, किसी के घर में धन टिक नहीं रहा या कहीं अटका हुआ है या रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसके लिए आज शाम के दिन माँ सीता की घर में पूजा करने के बाद आप पीले वस्त्र पहनकर माँ सीता के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप केसरिया झंडा लगा कर आ सकते हैं और माँ सीता से आप कामना कर सकते हैं कि आपकी जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है माँ सीता उसे ज़रूर दूर करेगी। और आज के दिन आप अगर अपने घर में शाम को माँ सीता की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माँ को आरती, माँ की आरती कर सकते हैं, उनको पीले फूल या पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, पीला भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। और जो भी वैवाहिक स्त्रियां हैं यानी कि जो मैरिड वीमेन हैं उनको अगर अपनी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए माँ सीता को आप श्रृंगार की चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा जहाँ भी पूजा सामग्री का सामान मिलता है श्रृंगार से रिलेटेड एक पैकेट बना होता है, आप उसको परचेज करके माँ सीता को अपने घर के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ सीता, माँ सीता का जहाँ पे भी मंदिर है या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, आज के दिन आप उनको भी अर्पित कर सकते हैं श्रृंगार का सामान। और अपने जीवन में जो भी आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें चल रही हैं माँ सीता के सामने उनकी अरदास कर सकते हैं कि माँ सीता आपकी सब समस्याओं का निवारण आज के दिन करेगी। और आज के ही दिन यानी कि सीता नवमी के दिन, जैसे कि आपको पता है माँ सीता का आज दिन है, तो आप शाम को सीता चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, रामायण जी का पाठ भी कर सकते हैं। जैसे कि आज मंगलवार है तो मंगलवार से रिलेटेड आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। और जब आप सीता चालीसा का पाठ करेंगे वो पाठ करने के बाद आप श्री सीताय नमः मंत्र का 108 बार भी जाप कर सकते हैं या इससे कम भी आप जाप कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। तो इससे क्या होगा, हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती जाएगी और धन से जुड़ी हुई जो आपकी समस्या है वो सॉल्व होनी शुरू होती है और घर में सुख शांति या सुख समृद्धि का निवास होने लगता है। तो
तो आप भी अपने घर में ये छोटी छोटी रेमेडीज करते रहिए। और तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए जो बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं और ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए इकट्ठी करती रहूँ और आपको ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देती रही हूँ। मिलती रहूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।